बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम नादरीन को देखो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ से आगाह करता चलूँ कि चंगान मास्टर मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ कि पिछले 3 माह से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और अब इसकी कीमत 165 तक जा पहुंची है। इसलिए चंगान कंपनी ने अपनी तमाम गाड़ियों की न्यू प्राइस अपडेट कर दी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन वजूहात पे कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया और तमाम वेरिएंट्स की न्यू प्राइस क्या है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियों को लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जाता बल्कि बैरूने मुल्क से पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबलिंग की जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। दूसरा, डॉलर की प्राइस जब भी बढ़ती है तो तमाम कंपनियाँ गाड़ियों की कीमतों को बढ़ा देती हैं। इसलिए अब डॉलर की प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए चंगान कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 1,20,000 रुपये तक इजाफा कर दिया है। इसके अलावा कंपनी के सेल्स डायरेक्टर की जानिब से ये बयान सामने आया है कि आलमी मार्केट में स्टील जिससे गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मजबूरन उन्हें गाड़ियों की प्राइस बढ़ानी पड़ी है। और अब चंगान कंपनी की गाड़ियों की न्यू और ओल्ड प्राइस पर नज़र डालते हैं। पहले नंबर पे चंगान एल्सविन 1.5 डीसीटी लूमियर वेरिएंट, जो कि एल्सविन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसकी ओल्ड प्राइस 25,89,000 रुपये थी और अब इसकी प्राइस को बढ़ाकर 27,09,000 रुपये कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे एल्सविन 1.5 डीसीटी वेरिएंट की ओल्ड प्राइस 23,99,000 रुपये थी, जिसमें इजाफे के बाद गाड़ी की न्यू प्राइस 25,19,000 रुपये हो गई है। अब तीसरे नंबर पे एल्सविन 1300 सीसी बेस वेरिएंट की बात करें तो इसकी ओल्ड प्राइस 21,49,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 22,69,000 रुपये कर दिया गया है। और इस गाड़ी के तमाम वेरिएंट्स की 5 लाख डाउन पेमेंट करके आप बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद चंगान कंपनी की जो वैन है जिसका नाम कारवा प्लस है, इस गाड़ी की प्राइस 15,39,000 से बढ़कर 16,59,000 तक जा पहुंची है। अब इसी गाड़ी के स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें तो इसकी प्राइस 13,99,000 से बढ़कर 15,19,000 रुपये हो गई है। आखिर में चंगान कंपनी की लोडर वैन की प्राइस में भी 1,20,000 रुपये तक इजाफा सामने आया है और इस गाड़ी की प्राइस 12,34,000 से बढ़कर 13,54,000 पे जा पहुंची है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि 1 सितंबर से दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स भी गाड़ियों की प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट सामने आती है मैं आपको इससे आगाह करूँगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग चंगान कंपनी की गाड़ियों को लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको न्यू प्राइस का पता चल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।